गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? चलो आज एक अपना छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है हेल्थ टीम। हेल्थ टीम क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करें। तो बेसिकली देखो, आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आप एनएम में पढ़ रहे हैं। जैसे हेल्थ की बात करें अपन, सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। और टीम का मतलब होता है दल, दल का सीधा मतलब मेंबर्स। जैसे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अगर मिलकर अगर कोई भी ग्रुप बनाते हैं, उसे अपन टीम कहा जाता है। टीम का सीधा मतलब है कि अगर ऐसे पर्संस जिसके अंदर मोस्टली क्या हो कि दो पीपल्स हैं, उनका उद्देश्य या मोटो एक हो। उद्देश्य मोटो का मतलब कि जैसे हेल्थ टीम है, हेल्थ टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। बेसिकली अगर बात करें इसका, जैसे ऐसे बोल सकते हैं मोटो या फिर उद्देश्य एक हो, उद्देश्य एक हो उसे टीम कहा जाता है। इसकी बेसिकली क्या होते हैं, जो स्वास्थ्य टीम है या हेल्थ दल है, उसके मोस्टली जो बेसिक मेंबर होते हैं वो एक होता है एमओ मतलब डॉक्टर, एक होता है नर्स स्टाफ, नर्स, एक होती है एएनएम, एक इसके अगर अपन बात करें तो और कौन कौन से स्वास्थ्य हैं, एक फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट हो गया, एक उसके बाद में पियोन होता है, लैब टेक्नीशियन होता है। उसके बाद में अपन बात करें आशा, भी अपने एक हेल्थ की टीम है। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये हो गया। उसके बाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये इतने सारे अपने क्या है हेल्थ टीम के मेंबर हैं। तो मतलब हेल्थ टीम में इतने सारे पर्सन जिसका सेम एक उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लान को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी समाज या सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का काम करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं कि हेल्थ टीम कहा जाता है। मोस्टली हेल्थ टीम के उद्देश्य कितने मेंबर होते हैं, डॉक्टर होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, अपने एएनएम होती है, आशा होती है, आंगनबाड़ी वर्कर होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, पियोन होता है, लैब टेक्नीशियंस होते हैं। ये मोस्टली अपने क्या होते हैं हेल्थ टीम के मेंबर्स होते हैं। अब अपन आगे जाके अपन डिस्कशन करते हैं कि जैसे अपने बेसिकली अपन डिस्कशन करें कि इसके अंदर कितने सारे मेंबर होते हैं, तो ये भी अपने डिस्कशन। अब इसका अपन देख रहे हैं कि हेल्थ टीम जो है उसके अंदर की अपन बात करें तो वो हेल्थ टीम किसे कहा जाता है, ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हेल्थ टीम कहा किसे कहा जाता है, ये देखो, ये अपन डिस्कशन करें। हेल्थ टीम किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह है जो कि समुदाय के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य मतलब हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन, नियोजन का मतलब प्लानिंग करे, प्लानिंग करके उसको क्रियान्वित या इम्प्लीमेंटेशन करे, और एक दूसरे के प्रति सहयोग रवैया से रखते हुए कार्य करता, तो उसे अपन क्या कहते हैं स्वास्थ्य दल या हेल्थ टीम कहा जाता है, हेल्थ टीम कहा जाता है। तो ये अपने डिस्कशन किया कि मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि दो मेंबर्स, दो या दो से अधिक, सीधा दो या दो से अधिक का मतलब दो या दो से ज्यादा जो पर्सन हैं वो मिलके अगर काम करते हैं और जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में प्लानिंग करते हैं उसको कैसे दूर किया जाए, प्लान करके उसके उस भी प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या होता है कि उससे क्या करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, उसे अपन क्या कहा जाता है हेल्थ टीम कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से हेल्थ टीम के मेंबर कौन से होते हैं। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि हेल्थ टीम किसे कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ हेल्थ टीम या हेल्थ टीम के
मेंबर्स ऑब्लिक कंपोजिशन को या कम का वर्णन कीजिए। ठीक हो, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बेसिकली अपन देखते हैं नॉर्मल कौन कौन से, अपने जैसे पहले डिस्कशन किया था कंपोजिशन की बात करें या फिर अपन मेंबर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं। जैसे अपने बेसिकली बात करें कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है जिसको आप एएनएम कहते हैं, महिला स्वास्थ्य सहायक होती है, दाई या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा होती है, दूसरा ग्रामीण स्वास्थ्य मार्ग VHS जन स्वास्थ्य नर्स जिसको अपन क्या कहते हैं PHN पब्लिक हेल्थ नर्स होती है, पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, पूर्व स्वास्थ्य सहायक होते हैं, डिपो या होल्डर है समाज सेवी स्वास्थ्य, समाज सेवी स्वास्थ्य संस्थाएं होती हैं। ये इतने सारे अपने क्या होते हैं कि ये सारे इतने सारे अपने हेल्थ टीम के कंपोजिशन होते हैं। बेसिकली अपन डिस्कशन किया, आगे अपन चल के इनके बारे में डिस्कशन करेंगे PSC में कितना होता है, CSC में कितना स्टाफ होता है, टीम मेंबर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितनी टीम मेंबर होती है, उसके बाद में कंटिन्यूटी अगर अपन बात करें तो एक सब सेंटर पे कितने मेंबर्स होते हैं। तो ये अपन पहले भी टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन चलो अपन फिर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि ये देखो अपन बात करें ग्रामीण स्तर पर या एट द विलेज लेवल या फिर सब सेंटर। सब सेंटर कौन होता है, एक ग्राम के लिए, तो उसके अंदर मोस्टली दो पर्सन होते हैं, एक होता है विलेज हेल्थ गाइड होता है, वो कितना संख्या में होती है एक होता है, और एक प्रशिक्षित दाई होती है जिसे ट्रेंड दाइज कहा जाता है, वो भी कितनी होती है दो होती है। मतलब एक गांव के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं हेल्थ के टीम के, दो मेंबर्स होते हैं। ठीक हो, इसका अपन आगे जाके अपन इसका एक एक करके अपन इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में क्या चीजें होती हैं या फिर ये कौन से जो मेंबर इनके क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चलो तो इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। ये तो अपने पढ़ा था गांव से रिलेटेड, अब पढ़ते हैं एक सब सेंटर लेवल पे कितने होते हैं। वो अपने बेसिकली गांव के लिए पढ़ा था, सब सेंटर के लिए नहीं था, एक विलेज एक छोटे गांव, अब सेम सब सेंटर के लिए पढ़ रहे हैं। वो केंद्र स्तर या एट द सब सेंटर लेवल, उपकेंद्र स्तर या सब सेंटर, ये मोस्टली कितने, जैसे मैंने पहले बात करूं ये कितने पॉपुलेशन पे होता है, आपने पहले भी पढ़ा आपने कितने पॉपुलेशन पे होता है, ये मोस्टली 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पे होता है, पहाड़ी एरिया के अंदर मोस्टली 3,000 पॉपुलेशन पे होता है, और जो समतल एरिया उस पर 5,000 पॉपुलेशन पे होते हैं। और ये मोस्टली जैसे आप देखते हैं हर गांव सब सेंटर बना होता है जिसके अंदर फीमेल हेल्थ वर्कर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक हो, फीमेल हेल्थ वर्कर ये अपने गांव में होती है वो एक होती है, मेल हेल्थ वर्कर एक होता है, लेकिन आजकल अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने नहीं लगा रखे। नेक्स्ट एक आशा होती है जो कितने संख्या में कितनी होती है एक होती है, इसकी फुल फॉर्म अपने क्या पढ़ा था एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक समाज सेवी कार्यकर्ता है, वॉलेंट्री वर्कर्स होता है। अभी मोस्टली गांव में दो ही लगा रखे हैं, एक आशा लगा रखी है, एक सहयोगिनी लगा रखी है और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगाए। ये एक हेल्थ टीम मतलब स्वास्थ्य केंद्र की हेल्थ टीम है, हेल्थ टीम है उस पे मोस्टली ये दो पीपल्स को लगा रखा है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि एक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस पे कितने सारे मेंबर्स के टीम होते हैं, उसके अंदर ये मोस्टली कितने पॉपुलेशन पे होगी, ये मोस्टली 30,000 से 50,000 पॉपुलेशन पे होती है, सॉरी 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन पे, ये 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन पे होती है, और इसके अंदर मोस्टली कितने मेंबर्स होते हैं, मोस्टली 15 मेंबर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मोस्टली 15 मेंबर्स होते हैं। और इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे एक टीम के अंदर कितने हो गए 15 मेंबर्स हो गए, और CSC की अगर अपन बात करें तो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पे होते हैं, उसके लगभग 24 से 25 मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक हो, दोनों में डिस्कशन आपको पता हुआ, तो
तो ये मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखो एक सब सेंटर आपको आपको पता होना चाहिए आपके नियर बाय जो भी पीएससी है, सबसे पहले तो एक डॉक्टर होता है एमओ मेडिकल ऑफिसर, या फिर एक एमओ होता है, एक जीएनएम स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, एएनएम होती है वो कितनी होती है एक होती है, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल एक होती है, हेल्थ असिस्टेंट मेल एक होता है, एक फार्मासिस्ट जो क्या आता है ये मेडिसिन देने के काम में आता है, मेडिसिन या फिर दवाइयां देने के देता कौन है वो फार्मासिस्ट देता है, एक ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होता है एलटी या लैब टेक्नीशियन, जो मोस्टली क्या होता है जो अभी लग रहा अपने राजस्थान में सब जगह लगाए गए हर पीएससी पे लगाए गए, जो भी कि एक मोस्टली क्या है जैसे लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी कोर्स किया होता है, आज डीएमएलटी लगा रहे हैं आने वाले टाइम में क्या होगा डीआरटी, अक्सर भी हर पीएससी पे लगाए जाएंगे जैसे जैसे राजस्थान इंडिया की हाई स्टैंडर्ड में आता है या फिर अपने डेवलपिंग स्टेट में आता है। तो इतने सारे अगर एम्बुलेंस है तो वहाँ पे क्या एक ड्राइवर होना चाहिए, और उस हॉस्पिटल या सब सेंटर सॉरी पीएससी की क्लीननेस के लिए साफ सफाई उनको जो मेंबर्स हैं उसको वहाँ पे सही रनिंग के लिए मोस्टली कितने एम्प्लॉय होते हैं 4 सफाई कर्मचारी या 4th ग्रेड एम्प्लॉयज होते हैं। ये अपने डिस्कशन किया था क्या इतने सारे अपने हेल्थ मेंबर्स ये कहाँ होते हैं एक पीएससी के अंदर ये मोस्टली होते हैं। तो ये आप भी जहां तक आप देख रहे हैं आप जैसे रूटीनली पढ़ रहे हैं आप एक एनएम है तो आपको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप अगर आप क्या हैं एक स्टूडेंट नर्स हैं, आप क्या हैं स्टूडेंट नर्स या फिर ऐसे बोल सकते हैं ट्रेनिंग एएनएम बोल सकते हैं, और आप ट्रेंड हो जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं ट्रेंड एएनएम, और आपका रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में, वो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा नर्स मिडवाइफ का, ठीक है रजिस्टर्ड मिडवाइफ, और जीएनएम करता है उसको इसको अपन आरएम बोलते हैं रजिस्टर्ड मिडवाइफ, एक होता है आरएन होता है रजिस्टर्ड नर्स, और ये रजिस्टर्ड मिडवाइफ एएनएम के नाम से रजिस्टर्ड मिडवाइफ होती है जिसका आपको लाइसेंस मिलता है। ये लाइसेंस की वजह से क्या होते हैं अपन कहीं पे भी काम कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस कोई भी काम नहीं कर सकता है। एक सब सेंटर पे कितने होते हैं, सब सेंटर का मतलब सीधा मतलब क्या है कि एक सीएससी पे कितने हेल्थ टीम के मेंबर होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये देखो मैं यहाँ पेपर मिटा देता हूँ कौन कौन से मेंबर होते हैं, आपको भी पता होगा आपके नियर बाई सब सेंटर हैं सीएससी पीएससी आपने सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप अभी ट्रेंड में जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सीएससी बोलते हैं, इससे छोटी होती है उसको पीएससी बोलते हैं, इसके ऊपर होता है उसको सब सेंटर बोलते हैं, इसके ऊपर होता है वो डीएच बोलते हैं, और उसके एक आजकल इसके इसके दोनों के बीच में एक और होने लग गया है उसको एसडीएच बोलते हैं, इसके ऊपर क्या होता है मेडिकल कॉलेज होता है, ठीक हो। ये अपने क्या है रेफरल सिस्टम है, इसको आप क्या बोलते हो इस टर्म को आप क्या बोलते हो रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन से है तो ऐसे लिखना रेफरल सिस्टम है। इसके अंदर मोस्टली 24 मेंबर्स के लगभग होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और कई जगह अपने 15 भी होते हैं, लेकिन इसमें देखो एक क्या होते हैं एमओ कितने मेडिकल ऑफिसर कितने 4, एक फिजिशियन होता है, एक जनरल सर्जन होता है, एक गायनिक होता है, इसको मैं लिख देता हूँ फिजिशियन, आप बोलते हो फिजिशियन कौन होता है, ये लो फिजिशियन, ये सर्जन होता है, ये गायनिक जिसको आप ओबीजी बोलते हैं, आप सेकंड ईयर में ये चीजें पढ़ेंगे ओबीजी में क्या होता है ये चाइल्ड होता है शिशु रोग। तो ये सारे अपने जनरल नॉर्मल के देखने फिजिशियन होता है किसी सर्जनी और सर्जन हो गया, ओबीजी के लिए क्या हो गया ये, अगर एसडीएच होता है वहां पे क्या होता है एक डेंटिस्ट भी होता है और एक ऑर्थोपेडिशियन भी जो हड्डियों का इलाज करता है,
फिजिशियन जो फिजिकल प्रॉब्लम उसकी करता है, ऑपरेशन या सर्जन करता है, गायनी या स्त्री से रिलेटेड ओबीजी करता है, बच्चों की केयर के लिए क्या पीडियाट्रिशियन करता है। नर्सिंग स्टाफ कितने होते हैं? 7 होते हैं। लैब टेक्नीशियन 1 होता है, एक रेडियोग्राफ जिसको डीआरटी बोलते हैं, ये डीआरटी डिप्लोमा किया होता है, ये डीएमएलटी किया होता है, ये जीएनएम स्टाफ होते हैं, एक फार्मासिस्ट भी होता है, एक ड्रेसर होता है और धोबी होता है। ये इतने सारे क्या होते हैं, एक हेल्थ टीम मेंबर के मेंबर होते हैं। उसके बाद में दूसरे एक आया होता है, आया एक होता है, माली होता है, चौकीदार, चपरासी, पियोन और मैत्र। ये इतने सारे क्या होते हैं, 24 मेंबर्स हैं, वो एक हेल्थ टीम के टीम मेंबर होते हैं। इतना सा समझ में आपको? अब इसी के कंटिन्यूटी अपन डिस्कशन करते हैं कि अपने इतने सारे मेंबर हो गए, तो उसके बाद में अपन डिस्कशन करें कि इतने मेंबरों की साइकिल क्या होती है, मतलब ऐसी कौन सी स्टेप है जो इसके अपन साइकिलिंग में डिस्कशन करते हैं। दल निर्माण चक्र के कौन कौन से चरण है, मतलब दल है, टीम है, इसके निर्माण के लिए कौन कौन सी स्टेप्स को अपन फॉलो करते हैं। पहले समस्या का पहचान करना, ऐसे बोल सकते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड, इसके तथ्यों को डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के माने इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना ही डाटा कलेक्शन कहलाता है। सेकंड होता है उसके डाटा के आधार पर स्वास्थ्य समस्या का विश्लेषण करना, मतलब अपन क्या कहते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस हो गया। थर्ड की अपन बात करें, फिर प्लानिंग करते हैं, प्लान, ये प्लान कर दिया। प्लान करने के बाद उसी प्लान को अपन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट में अपन क्या है, 6 नंबर का अपन क्या है, रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट या फिर इवैल्यूएशन। ये अपन इतने मोस्टली क्या करते हैं, इतने स्टेप में एक दल निर्माण के लिए काम किया। सबसे पहले अपन नर्सिंग प्रोसेस भी करते हैं या नर्सिंग केयर देते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को, जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में उस प्रॉब्लम क्या है उस पर्सन में, उससे रिलेटेड डाटा क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं या डाटा संग्रहण का काम करते हैं। डाटा संग्रहण करने के बाद में उस पेशेंट से पूछते हैं, मतलब डाटा संग्रहण उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में सीधा क्या है, वो जो पेशेंट अपने सामने, उस पेशेंट को क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि उसको अपन एक कौन कौन सी नर्सिंग केयर देनी है। जैसे किसी को बुखार है तो उसकी बुखार कैसे कम कर दी जाए, तो अपन बुखार है वो डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट, उसको बुखार से कैसे क्या कम किया जाए, उससे रिलेटेड अपन प्लान बनाते हैं। जैसे अपन सपोज करें, आप उसको अपन पैरासीटामोल ड्रग्स देंगे, या फिर ऐसे हो सकता है उसको गीला पानी की पट्टी अपन क्या करते हैं माथे पे लगाएंगे, लेटर सेकंड देन हो सकता है उसको फैन चालू करेंगे। ये सारे अपन क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ये जो प्लान किया वो उस पेशेंट पे या जो अपना पेशेंट है उस पे अपन लागू करते हैं। लागू करने का मतलब उस पेशेंट को अपन वो जो प्लान बनाया उसको लागू कर देते हैं, और वो लागू करके अपन उसमें रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट का मतलब सीधा मतलब क्या होता है कि जो बुखार है उसके अंदर वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस का मतलब वो कम हो जाती है। समझ में इतना सा, ये इतना सा अपन दल में पढ़ा था। वही दल का अपन देखो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। दल चक्कर, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये देखो, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, ये प्रॉब्लम है, ये डाटा का कलेक्शन करते हैं। डाटा का कलेक्शन करने के बाद में क्या होता है कि तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का कार्य का योजना या प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के बाद में उस प्लान को अपन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में अपन क्या करते हैं, उसको रिजल्ट या फिर इवैल्यूएशन करते हैं। ये अपने क्या दल चक्कर था, ये अपनी तरह सा पढ़ा, और ये आपके एग्जाम में ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं
तो ये आपकी एक यूनिट है, उसके अंदर आपको डिटेल से पढ़ना है। इसे पढ़ने के बाद में आपको जो फील्ड में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये जो आपने पढ़ाई है इसको बार बार बुक से या फिर जहां से भी आपको मिले वहां से इसको पढ़ के रहना है। ओके, बाय बाय।